पंजाब बीजेपी को छोड़ दे फिर राज कर देंगे हम, सिख समाज बीजेपी को छोड़ दे। अगर बीजेपी के झंडे गांवों में उठेंगे तो भाई देश में फिर इनके पर्चे दर्ज होंगे, इसको कोई नहीं हटा सकता। क्योंकि लोग कहते कि असं अक चुके हैं किसानों, तो कहते इकट्ठे नहीं रहेंगे। मेरा सवाल पूरा जरूर लियो, एक वड्डा मोर्चा सी जो दिल्ली मोर्चा लगता वो टुट के जोगिंद्र यादव होनी अजक राहुल गांधी होना दी रैलियां दे विच भारत जोड़ो यात्रा च फिर रहे हैं। इधरों पंजाब दे विच भी कुछ इलैक्शन लड़के वक्रे हो गए, उन्होंने तुसी अपने नालों वैसे वक्रे करता, चल की रहा लोग साथ कितने किस पद्धर ते देण, सियासतदानां दीआं गल्लां सच साबित हो रही। आपस में लड़वाएंगे इनको सबको और फिर ये सब मारे जाएंगे, कोई एक साल पहले मर जाएगा, कोई दो साल बाद में मर जाएगा, मरेंगे सब। चर्चावां ते भी ने कहिंदे कि टकैत साहब हुणां दे परिवारक नेड़ता बीजेपी वाले आगुआं नाल भी आ ना, हमारे तो सबके साथ में है। कोई आदमी पांच दिन का पॉलिटिकल पार्टी नॉन पॉलिटिकल पार्टी इस किसान संगठन से अलग, अब कोई मोर्चा पांच दिन का लगा के दिखा दो, एक दिन का लगा के दिखा दो, ये तो 13 महीने रहे। अगर 13 महीने में भी कोई एलिगेशन लगा रहा है तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम परिवार में भी घर के लोग भी सलाह नहीं करते कि किसको वोट देनी है। मन्या के खुश नहीं, ये भी नहीं कि उदास, हाँ चुप रहने की आदत है, ये नहीं कि लाश, हाँ अपने लोगों की जो गल हुंदी है तो उसके बारे बोलना भी जरूरी है, खास करके उस समय के जो तुहाडे लोग थाली दे विचली रोटी दे लई चिंता दे विच होण। अजिहे एक शख्सियत साडे नाल मौजूद है राकेश टकैत, जिन्हां नूं किसान अंदोलन दे विच वेख्या, उन्हां दा रोणा किसान अंदोलन दे विच बहुत वड्डी जान पा जांदा है। पर बहुत तरह के सवाल राकेश टकैत होणा दे उत्ते भी उठते ने, उन्हां सवालों के जवाब भी राकेश टकैत होणा तो लवांगे। पर सब तो पहला स्वागत करांगे, टकैत साहब स्वागत है जी। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। टकैत साहब, पंजाब की सियासत दे विच एक प्रचलित धारणा है, खास तौर उत्ते कहिंदे जदों पंजाब की सियासत मुख्यमंत्री की कुर्सी वल वधना होवे ना तो पग बन्ननी दस्तार सजाउणी सिख लैणी चाहीदी है। राकेश टकैत भी कुछ समय तो टोपी तो दस्तार दे वल वधे ने, कुछ इस दे पिछे कारण है? हाँ, हिंदुस्तान बहुत भाषाओं का देश है, यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग वेशभूषा है। पंजाब के लोग पग बांधते हैं, हरियाणा के लोग पग बांधते हैं, उनका बांधने का तरीका अलग है। यूपी में भी बांधते थे, कम बांधते हैं। साउथ में चल जाओ तो वहाँ पर भी पग बांधते हैं, टोपी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है। फिर जिसके भी वहाँ पर जाओगे तो वो अपनी अलग दस्तार देगा, तो हमने रंग भी यही चुन लिया और दस्तार भी यही चुन ली। तो अब ना कोई इसको उतारने को कहता, ना कोई अपनी देता, अपना सम्मान के रूप में दे देते हैं। तो एक तो रंग ठीक है, ये कलर ये समाज का कलर है, कसेरिया रंग है जो सूर्य का प्रतीक है और आंदोलन का या समाज का है। तो एक तो कलर भी ठीक है और फिर दस्तार, इसको उतारने की जरूरत ही कहीं नहीं, इससे सम्मान बहुत मिलता है। हमने तो सबको कहा कि 60 साल के बाद में तो सबको बांधनी चाहिए, हमारे पूर्वज बांधते थे सब। सवाल मेरा इस तो बाद इस केसरी दस्तार के रंग वाल ही जाने वाला सी कि किसान आगू साढ़े पंजाब दे विच भी किसान आगू बहुत ने, सारे दी पगां दे रंग हरे ने, तुसी ये रंग क्यों चुने? ये तो क्योंकि पंजाब की सियासत च पगां दे रंगां दा बहुत चर्चा है शुरू तो ही, चिट्टी नीली हुण पीली दा रवाज चल पिया पंजाब दे विच। अच्छा, हम अगर एक रंग की बांध देंगे तो एक जत्थेबंदी की हो जाएगी भाई? एक रंग की बात देखो तो एक जत्थेबंदी की हो जाएंगे। तो ये रंग तो सबका रंग है, जो केसरिया रंग है, हमारे झंडे का रंग केसरिया है तो सबसे ऊपर है। हमारे संत महापुरुष जितने रहे उनका रंग केसरिया है, ये सूर्य का प्रतीक है और ये समाज का रंग तो यही है, आर्य समाज का रंग यही है, संत महात्माओं का रंग यही है। तो इस रंग पर ऐतराज तो है ही नहीं किसी का। टकैत साहब, अगला सवाल मेरा ये कि बीते दिनों मोहाली दे चंडीगढ़ की सरहद पर एक मोर्चा लगता 3 दिन के लिए, उदों ऐलान हुंदा है कि पूरे मुल्क दे विच राजधानियां दे विच प्रदर्शन होणगे। उन्हां दिनां दे विच राकेश टकैत होणी यूपी की राजधानी च कहिंदे नज़र नहीं आए, पर चंडीगढ़ सीगे राकेश टकैत होणी, कारण की रहा उधर राकेश टकैत होणी उत्थे क्यों नहीं सी?
ये SKM की कॉल थी और पूरे देश भर में राजधानियों पे ये मूवमेंट 3 दिन का था। अपनी राजधानी वहां से 650 किलोमीटर है, जब राजधानी पे जाना तो पंजाब पे चले जाओ या हरियाणा पे चले जाओ या यूपी में जाओ या छत्तीसगढ़ जाओ, जो लोग जहाँ पे नज़दीक थे वो वहीं गए। और हम यूपी के थोड़ा, हम तो पूरे देश और दुनिया में लड़े लड़ते हैं। हाँ भाई, देश में करेंसी एक जगह, उसको कहीं चला लो, करेंसी तो अलग अलग है नहीं। पर जो सियासत के साइंटिस्ट ने तो हम यह भी कह लग गए, कहते रिकेस्ट कैद के पिछे बहुत ही गिणती नहीं लोगों की रही, इस करके भी रिकेस्ट कैद कितने ना कितने टाल मटूला करते रहे कि उधर न जाने की बजाय इधर न आए ने। नहीं नहीं, वहाँ 600 किलोमीटर था ना, तो यहाँ नज़दीक था, एक दिन का टाइम था हमारे पे, तो यहाँ 2 स्टेट हो गए, वहाँ पे एक होता। 3 दिन का प्रदर्शन सी टिकेट, एक दिन हम आए, 3 दिन का था, पूरा SKM का कॉल थी और 3 दिन सब लोग रहे, सब जगह स्टेट पर रहे, वहाँ पे हमारे और दूसरे लोग थे लखनऊ में। टिकैत साहब, सवाल हुण ये भी हुंदा है, खास तौर पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री बीते दिन ट्वीट करते हैं, एक ट्वीट करके कहते हैं कि बहुते रोडों के उत्ते ना जाओ, प्रदर्शन ना करो, लोग तुहाडे तो अक चुके ने, कहिंदे ये ना होगे कि आने वाले समय से किसानों धरने मोर्चे लाने के लिए 50-50 बंदे भी ना मिलन। कितना ना कि जो उस पोस्ट के कमेंट पढ़े, वह पोस्ट के कमेंट भी मुख्यमंत्री साहब के हक के जाते पे सी, क्योंकि लोग कहें कि असं हक चुके हैं किसानों तो, कहें इकट्ठे नहीं रेंदे। मेरा सवाल पूरा जरूर लियो, कहें इकट्ठे नहीं रेंदे, तुहाडा एक वड्डा मोर्चा सी जो दिल्ली मोर्चा लगता वो टुट के योगेंद्र यादव होनी अज्ज कल राहुल गांधी होना दी रैलियां दे विच भारत जोड़ो यात्रा च फिर रहे ने, इधरों पंजाब दे विच भी कुछ इलैक्शन लड़ के वक्रे हो गए, उन्होंने तुसीं अपने नालों वैसे वक्रे करता, चल की रहा, लोग साथ कित्थे किस पद्धर ते देण, सियासतदानां दीआं गल्लां सच साबित हो रही। अभी भारत सरकार की पूरी पॉलिसी है, अभी और नई जत्थेबंदियां बनेगी, नए SKM बनेगा, ये भारत सरकार की पॉलिसी है। अभी जातियों के संगठन बनेंगे, किसान संगठन, फसलों के अलग अलग संगठन बनेंगे, अभी और होगा, अभी नहीं, कुछ लोग चुनाव में चले जाएंगे, वहाँ पे अभी तो जाएंगे ना चुनाव में, चुनाव तो पहले भी लड़ा है ना पंजाब के लोग, पंजाब और हरियाणा के, अभी और लोग जाएंगे इसमें। देश में एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, फिर ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा, किसान संगठनों को पॉलिटिकल सिस्टम में जाना ही नहीं चाहिए, वे वहाँ पर जाकर 100% फेल होंगे। लेकिन बहुत लोगों का भूत सवार है तो उसका कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जो सम्मान मिल रहा है और जो जनता का समर्थन मिला है वो नॉन पॉलिटिकल रूप से मिला। किसान आगुओं के तो आरोप भी लगे ने, कहते कि देश के एक बड़े मंत्री की घरवाली के हथों कहते फट फट गिलास भी पीते ने, पंजाब दे विच बहुत रौला रहा, कहिंदे एक किसान आगू कहिंदा कि 3000 करोड़ दे विच मोर्चा बेचा, एक किसान आगू कहिंदे लोकां दी वे वो जिसने आरोप लगाया है वो 5-स्टार होटल में वहाँ पर रुका हुआ था दिल्ली में, बड़े होटलों में, और वो निष्कासित कर्नाटक के लोग थे, वे उनको संगठन से निष्कासित कर रखा, तो उन्होंने इस तरह के आरोप जरूर लगाए थे। भाई 13 महीने आंदोलन चला के भी अगर आंदोलन बिखरा है, एक दिन की मीटिंग करते हैं लोग, किसानों ने 13 महीने मोर्चा लगाया, किसी में है हिम्मत? आप 5 दिन का मोर्चा लगा के दिखाओ दिल्ली के चारों तरफ, कोई आदमी 5 दिन का पॉलिटिकल पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टी, इस किसान संगठन से अलग, अब कोई मोर्चा 5 दिन का लगा के दिखा दो, 1 दिन का लगा के दिखा दो, ये तो 13 महीने रहे, अगर 13 महीने भी कोई एलिगेशन लगा रहा है तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस गल दे उत्ते रिक्वेस्ट कैद मोर लाते हैं कि मोर्चे दे विच किसी तरह का पैसे का लेन देन नहीं होया, कौन दे लग रहा पैसा, कौन पैसे लग रहा देन, ये तो बाबाओं के ने चलाया सारा, इसमें पैसा तो हमको तो कोई वहाँ दिखा नहीं, पैसे का लेन देन कुछ नहीं हुआ ना, वहाँ किसी ने दिया बे, तो लंगर भंडारे में किसी ने दान पुण्य कर दिया हो, उसका ही अपना राशन पानी आ गया, उसी से ही चल गया, और कैसे चलेगा ये। ठीक है, अच्छा सियासत के नाल जुड़िया सवाल जरूर लाऊंगा तुहाडे तो, बीते दिन चोणां होईयां ने, BJP एक बार फिर हाइप दे उत्ते आई है, BJP ने कहिंदे कि मल मारी है बहुत वड्डी, राजस्थान दे विच भी सरकार बना के, हालांकि सरकार बनाउण तो अज ही अज दी घटना कि एक वड्डे हिंदू नेता का कतल करता घर च गोलियां मार के, उहदे ये सारे सिस्टम नूं किदां वेख रहे हो, लगता कि 24 दे विच जिस मोदी का जिस BJP का विरोध करते सी वो दोबारा बहुत वड्डी पावर दे नाल वापस आऊ? देखो हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे,
भाई हमारा मोर्चा तो सारी पार्टियों के खिलाफ है। अगर चुनाव लड़ते कि पंजाब में क्या हुआ, वहाँ हरियाणा में, राजस्थान में क्या हुआ, तो चुनाव तो पंजाब में भी, आंदोलन तो पंजाब में भी चल रहा है। पंजाब में किसके खिलाफ चल रहा है? पंजाब सरकार के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ पिछले 3 साल से आंदोलन चल रहा। बिहार में मंडियाँ बंद कर दी उन्होंने, तो वहाँ आंदोलन है कि मंडियाँ बहाल की जाए, जो बाजार समिति उसको कहते हैं, वहाँ पर मंडियाँ नहीं हैं। तो वहाँ आंदोलन किसके खिलाफ है? वहाँ बीजेपी की तो सरकार नहीं, वहाँ बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन है। तो इसको चुनाव से जोड़ना वो गलत है। चुनाव से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये जहाँ जहाँ पे भी स्टेट की पॉलिसी गलत होगी, ये मोर्चे वहीं काम करेंगे। चर्चावां ते भी ने कहिंदे कि टकैत साहब हुणां दे परिवारक नेड़ता बीजेपी वाले आगूआं नाल भी आ। ना, हमारे तो सबके साथ में है। ते कहिंदे कि हो सकदा कि बीजेपी वालों रिक्वेस्ट कहत हुणी भी इलेक्शन लड़ लैण आउण वाले समय। ऐसा नहीं है, हम परिवार में भी सलाह नहीं करते। हम परिवार में भी, घर के लोग भी सलाह नहीं करते कि किसको वोट देनी। वोट जिसको जहाँ देनी दे लो भाई, ना हम किसी को कहते, ना हम बाहर कहते, ना हम घर कहते। हमारा काम है मूवमेंट और आंदोलन का। और हमने ये भी कर लिया कि जहाँ चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, उस स्टेट में हम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में जाएंगे भी नहीं। जहाँ जहाँ चुनाव हुए हम गए ही नहीं उन स्टेट में, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ हमारे मूवमेंट थे। वहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोल माइंस, जो काम बीजेपी कर रही, वही वहाँ पर वो कर रहे थे। इनका इलाज करा है वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, इनका इलाज करा है जो संघ के लोग इनकी पार्टी में घुस गए, इनकी विचारधारा, अपनी विचारधारा संघ की इनकी पार्टियों को दे दी। भाई राहुल गांधी है, बड़े लीडर हैं, उधर चुनाव चल रहे, उधर वे केदारनाथ की यात्रा कर रहे। यात्रा तो चुनाव ही यात्रा है, पॉलिटिकल आदमी की यात्रा क्या होती है? उनका धार्मिक और धर्म क्या कहता है? उनको धर्म कहता है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करो, चुनाव है, आप चुनाव में जाओ वहाँ पे। लेकिन संघ के लोग इस तरह से उनके बीच में सब में घुस गए कि उनको वहाँ भेज दिया, 4 दिन उन्होंने वहाँ बर्बाद करें, यहाँ पर नुकसान हो गया। 4 दिन में 50 सभाएं करते थे लोग। तो ये जो संघ की विचारधारा है, ये सब पार्टियों में धीरे धीरे उनके लोग घुस गए हैं। हमारे किसान संगठन में भी है, हम बचा कर रखते हैं उनसे। वो उस तरह की बात करेंगे तो हम पकड़ लेते हैं उनको, ये कहाँ बोल रहा है। टकैत साहब, पिछले दिनों जो तुसी शायद खबर पढ़ी होवे, न्यूज़ क्लिक नाम की वैबसाइट चलती है, वो पत्रकार फड़े ने, उन्होंने UAPA एक्ट के तहत परचा दर्ज कर लिया गया। कहिंदे चाइना के फंडिंग सी, चाइना चो प्रोपागेंडा हो रहा सी, वो प्रोपागेंडा किसान अंदोलन सी, उन्होंने चलाने के लिए कहिंदे ने पत्रकारों नूं चाइना तो फंडिंग हुई है, UAPA लाए गया। सवाल मेरा पूरा जरूर लियो, उन्हां नूं अरैसट कर लिया गया, UAPA लग गई अंदर देते, लगता नहीं कि उन्होंने जरिए राह तुहाडे वल वध रहे ने कि UAPA तुहाडे वल भी वधा लिया जाए? खास सब पर लगेगा, कुछ लोग सरकार में शामिल हो जाएंगे, ये जो छोटे चैनल चल रहे सब बंद हो जाएंगे, जो सरकार की भाषा से अलग जाएगा वो बंद होंगे। अक्टूबर 2024 के बाद में बहुत सिस्टम चेंज हो जाएगा। यह तो सिलेंडर करेगा आदमी, या मुकदमे लग कर जेल जाएगा। देश में 25,000 लोग जेल जाएंगे, जो आंदोलनकारी होंगे, पत्रकार होंगे, आंदोलनकारी होंगे, वो होंगे। 2024 अक्टूबर के बाद में ये टारगेट फिक्स हो जाएगा। अभी है 18 महीने, ठीक है जी, सबकी गिनती लग रही है, चिंता कोई ना करो। मतलब अपनी मुलाकात जेल चो सकती है? नहीं, क्या पता आप भी बाहर कहाँ रहोगे भाई, आप अगर उनकी भाषा बोल लोगे तो यहाँ रहोगे, नहीं तो आप भी अंदर रहोगे। मैं ताई कह रही, अपनी मुलाकात हो सकती है? अभी 2 साल का टारगेट है, 6 महीने पूरे हो गए, अभी रह गए हैं 18 महीने। 18 महीने का पूरे हो जाएंगे, 18 महीने पूरा हिंदुस्तान का आदमी चिन्हित हो जाएगा कि कौन उस विचारधारा से सहमत रख रहा है और कौन नहीं रख रहा है। जो नहीं रख रहा होगा उसके बच्चों की नौकरी लगे, उस पर मुकदमे दर्ज होंगे, उस पर हमले होंगे, उस पर केस रजिस्टर्ड होंगे। वे या तो सरकार में शामिल हो जाएंगे, और नहीं तो ये पूरी यातनाएं उसको झेलनी पड़ेगी।
16 महीने बाद में। रिक्वेस्ट क्या तैयार नहीं यात्रावा सहन? नहीं, हम तो यात्रा के लिए तैयार है भाई, हम सिलेंडर नहीं करेंगे, हम आखिरी आदमी होंगे सिलेंडर वाले। कहते यूएपीए बहुत तगड़ा एक्ट है, जरा देश का लगना चाहिए, अगर कोई देश द्रोहा काम कर रहा लगना चाहिए। जे बाया प्रोपेगेंडा तो मुसलमान अगर कोई है तो उस पे गऊ कसी का लगा देते हैं केस, तो सिलेंडर कर गया ड्राइवर मुसलमान बीजेपी के साथ में। भाई सिख समाज का बीजेपी का क्या संबंध है? सिख समाज भी नारे लगा रहा झंडे लगा के, इससे ज्यादा सिख समाज के लिए कुछ हो सकता है? लेकिन डरा हुआ समाज और बीजेपी का झंडा उठा होगा तो उसका कोई नहीं कर सकता। ठीक है साहब, मेरा आखिरी सवाल, इंडिया अलायंस बनिया सी, उस इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी सी, पर हुण चर्चावां ने कहिंदे कि शायद वो इंडिया अलायंस टुट जाए क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई बहुता आधार जिहा नहीं बचिया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਮੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਕੁਛ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਟਿਕਟ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਮੁਖਿਆਲੇ ਸੇ ਤੈਅ ਹੋਗੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਾਲੋ ਕੇ, ਜੈਸੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੋਈ 1000 ਸੇ ਕੋਈ 1500 ਸੇ ਕੋਈ 1500 ਓਟੂ ਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, दूसरे वाला खड़ा उसको ढाई ढाई 3000 वोट भी ले रही है। अगर इकट्ठे होकर लड़े कुछ उनको दे दो कुछ उनको दे दो, बंटवारा ठीक कर लो, लेकिन सरकार होने नहीं देगी। सरकार की ए और बी और सी टीम भी तो रहेगी, वही तो काम कर रही है यहाँ पे, उसी से इनको लाभ मिलेगा। ठीक है सर, पंजाब की सियासत के तो लगता कि अलायंस चलेगा क्योंकि पंजाब कांग्रेस से आम आदमी पार्टी विरोधी धिर ने ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ? 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਰਚ ਹੋਏ ਬਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਰਾਤ ਕੋ 3 ਵਜੇ ਪਕੜੇ, 9 ਵਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, 6 ਘੰਟੇ ਰੋਕੇ, ਔਰ 11 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆ, ਉਹਨੇ 12 ਵਜੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋ ਕਿਆ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸਿੱਧੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੋਰਟ ਕਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੇ ਬਗੈਰ ਕੋਰਟ ਗਏ ਪਰ ਉਨਕਾ ਉਹ ਜੋ ਥਾ ਕੇਸ ਥਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸੀ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਸਾਜਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਾਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰਕੇਸ਼ਟ ਕੈਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਰਕੇਸ਼ਟ ਕੈਦ ਦੀ, ਉਹ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇਗੇ ਹਮ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ, ਇਹ ਬਹਾਦੁਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਝੰਡੇ ਗਾਮੂ ਮੇ ਉਠੇਂਗੇ ਤੋ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਫਿਰ ਇਨਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਗੇ, ਇਸਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਆ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ਟ ਕੈਤ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਕੇਸ਼ਟ ਕੈਤ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ।